ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स, मैं स्मित कुमार सिंह। आप तमाम यूपीएससी एस्पिरेंट्स या अन्य कोई कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगधपुत्र ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, आज इस क्लास में और आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, हम लोग लगभग 20 क्वेश्चन देखेंगे 2018 का। देखिए, जैसे जैसे प्रारंभिक परीक्षा नज़दीक आ रहा है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है हमें सॉल्व करना चाहिए, जिससे पता चल सके कि आखिर प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यूपीएससी के द्वारा, आयोग के द्वारा, कमीशंस के द्वारा क्वेश्चंस पूछने का पैटर्न क्या है, क्वेश्चंस की लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी कैसा है, स्टैंडर्ड कैसा है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम तभी जान पाएंगे जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 2019 का क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने सॉल्व कर चुके हैं, अब हम लोग 2018 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो है इस क्लास में हम लोग 20 जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं GS1 में, या GS1 का पेपर है। तो जानते हैं कि एक बार 100 प्रश्न हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, बस 10-10 या 20-20 क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे और 2-3 वीडियो में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि अगर एक ही बार 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत ही लंबा चला जाएगा, फिर आपको समझने में भी बोरिंग महसूस होगा। इसलिए हम छोटा छोटा करके, मतलब एक शॉर्ट एंड स्वीट कह सकते हैं, वीडियो बना रहे हैं जिसमें कि 20-20 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन का हम लोग अटैम्प्ट करते जाएंगे। और अंतगत जैसे 2019 में हम लोगों ने 10-10 क्वेश्चन सॉल्व किया, इसमें हम लोग प्रयास करते हैं कि 20-20 क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है जी, ज़्यादा बोरियत भी महसूस नहीं होगा, हम 20-20 क्वेश्चन करते हुए हम लोग मतलब अच्छे से समझने में आसानी होगा। तो अगर इसका अनुदेश कह सकते हैं, या फिर सभी को मालूम है कि इसके जो है समय जो है 2 घंटे का मिलता है और आपको OMR सीट दिया जाता है जिसमें आपको गोले भरने होते हैं, ऐसे मतलब उसमें पूरे के पूरे गोले भर के आपको OMR सीट जमा करना होता है, क्वेश्चन पेपर आपके पास रह जाए 200 अंक का होता है। और जो कह सकते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट और जो कट ऑफ निकलता है वो GS पेपर 1 से भी ही निकलता है, बिकॉज जो इसका जो सेकेंड पेपर है वो CSAT का पेपर, वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है जी, तो इसलिए आवश्यक है कि हमारा जो पेपर 1 है उसमें हम तैयारी अच्छे से करें, जिससे कि हम कट ऑफ से क्लियर आ सकें। अभी देखिए, आप जो है इसको, इसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं, अनुदेश हैं, गाइडलाइंस हैं, वो आप खुद से एक बार इसे पढ़ लेना अपने हिसाब से। ठीक है जी, 100 प्रश्न दिए रहते हैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। ठीक है जी, आपको एक उत्तर चुनने होते हैं, इसमें निगेटिव मार्किंग होती है, यही सब इसमें लिखा हुआ है। अब आइए हम लोग सीधे होते हैं क्वेश्चंस नंबर 1 में। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन द फर्स्ट लोकसभा द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द अपोजिशन वॉज द स्वतंत्र पार्टी। दूसरा स्टेटमेंट है, इन द लोकसभा अ लीडर ऑफ द अपोजिशन वॉज रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1969। एंड तीसरा स्टेटमेंट है, इन द लोकसभा इफ अ पार्टी डज नॉट हैव अ मिनिमम 75 मेंबर्स इट्स लीडर कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज एट द लीडर ऑफ द अपोजिशन। कहने का मतलब है, यहाँ 3 स्टेटमेंट दिए गए। पहला स्टेटमेंट में है कि जो पहली हमारी लोकसभा का जो चुनाव हुआ था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, उसमें जो कह सकते हैं जो अपोजिशन पार्टी थी, सबसे बड़ी अपोजिशन, वो स्वतंत्र पार्टी थी। दूसरा स्टेटमेंट में कहा गया कि जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, यह कब से प्रारंभ हुआ, यह 1969 से प्रारंभ हुआ। तीसरा स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि लोकसभा में अगर कोई भी एक पार्टी जो कि अपोजिशन में, अगर 75 मेंबर्स नहीं लाती है तो उन्हें लीडर ऑफ द अपोजिशन घोषित नहीं किया जाएगा। तो इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, इस चीज़ पे फोकस कीजिए। ये कीवर्ड जो हमारा है वो करेक्ट होगा। बहुत बार इसमें इनकरेक्ट लिखा रहता है, ओनली करेक्ट लिखा रहता है, तो इस पर बहुत ही ध्यान देना। अदरवाइज होता क्या, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे कहते हैं कि सर मैंने तो करेक्ट में टिक लगा दिया, वहाँ तो पूछ रहा था इनकरेक्ट, यहाँ मतलब यहाँ करेक्ट पूछ रहा है। तो ये सब कीवर्ड्स पे हमेशा फोकस करें। ठीक है जी, तो ये करेक्ट, तो ए ऑप्शन में है 1 और 3 ओनली, मतलब पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट, बी में है 2 ओनली, सी में है 2 और 3 ओनली, और डी में है 1, 2 और 3 ओनली, मतलब तीनों के तीनों सही। तो जब तीनों स्टेटमेंट को आप पढ़ते हैं तो आपको कौन सा स्टेटमेंट सही लगता है, उसी आधार पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसको चुने। तो इसके जो स्टेटमेंट होंगे सिर्फ दूसरा सही है, क्योंकि इसमें लगभग 50 मेंबर्स मांगे जाते हैं और ये स्वतंत्र पार्टी जो है पहली अपोजिशन नहीं थी, तो ये स्टेटमेंट सही होगा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है जी, इज दैट क्लियर। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, अब आइए दूसरा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशन ऑकर इन द डिजर्ट एरिया टू इनहिबिट वाटर लॉस। कौन सा ऐसा कह सकते हैं लीफ मॉडिफिकेशन ऑकर होता है मरुस्थल में, डिजर्ट एरिया में, जिससे कि इनहिबिट वाटर, जो कि वाटर की कमी को, या फिर जो वाटर लॉस होता है ड्यू टू इवेपोरेशन और हीट के कारण, वह कम हो सके। तो पहला हार्ड एंड वैक्सी लिप्स, दूसरा है टीन लिप्स, एंड तीसरा है थ्रोन इंस्टीट ऑफ लिप्स। मेरे हिसाब से जो है, अगर आपने कभी डिजर्ट भ्रमण किया होगा तो ये तीनों सही होंगे। देखिए डिजर्ट वगैरह में जो कैक्टस का जो पौधा होता है उसके जो है लीफ या स्टिंग कह सकते हैं बहुत ही मोटे होते हैं,
और थीकी होते हैं और वैक्सी होते हैं, मतलब उसमें मोम की तरह होता है, टीनी लिप्स होते हैं, मतलब पतले पतले होते हैं लिप्स वगैरह बहुत पौधे के, और बहुत सारे में कांटे होते हैं, कांटेदार, कैक्टस वगैरह कांटेदार ही होता है, जिससे कि वाटर का इवापोरेशन है वो बहुत कम होता है, नहीं के बराबर की होता है। तो इसमें सही जो ऑप्शन होंगे, ए में है 2 और 3, बी में है 3, 2 ओनली, सी में है 3 ओनली, डी में है 1, 2 और 3 ओनली। इसके आंसर डी होगा, 1, 2 और 3, मतलब तीनों के तीनों स्टेटमेंट इसमें सही हैं, करेक्ट हैं। ठीक है जी, अब आ जाइए तीसरा क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3। एज पर द NSSO 17th राउंड सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब तीन स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड, ठीक है जी, सुटेबल असेसमेंट सर्वे ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड के से संबंधित जो है तीन जो है यहाँ वक्तव्य दिए गए हैं, स्टेटमेंट दिए गए हैं, और इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, आगे हम लोग पहले इसे पढ़ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट में है, राजस्थान है द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द एग्रीकल्चर हाउस होल्ड एमंग इट्स रूरल इंडिया। राजस्थान में जो हाउस होल्ड का परसेंटेज है वो पूरे अन्य राज्यों की अपेक्षाकृत सबसे अधिक है। दूसरा स्टेटमेंट है, आउट ऑफ द टोटल एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड इन द कंट्री अ लिटिल ओवर 60% बिलोंग टू द ओबीसी, और जो 60% से अधिक है हाउस होल्ड में वो ओबीसी से बिलोंग करते हैं। इन केरला में जो है 60% ऑफ द एग्रीकल्चर हाउस होल्ड डिपोटेड टू हैव रिसीव मैक्सिमम इनकम फ्रॉम द सोर्स अदर देन द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, और जो केरल में है 60% से अधिक ऐसे लोग हैं जो कि अपनी आय कृषि के अपेक्षाकृत किसी अन्य जो है क्षेत्र से अधिक कमाते हैं। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ए में है 2 और 3 ओनली, बी में है 2 ओनली, सी में है 1 और 3 ओनली, डी में है 1, 2 और 3 ओनली। तो तीसरा का जो है सबसे सही उत्तर जो होगा वह है सी, 1 और 3, यह जो है 60% ऑफ द ओबीसी या गलत है। ठीक है जी, इसमें बहुत सारे ऐसे भी हैं जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, जो कि अदर कह सकते हैं कि SC ST कास्ट से बिलोंग करते हैं, इनफैक्ट जनरल कास्ट वालों के लिए भी जो कह सकते हैं फार्मर्स वगैरह होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओबीसी से 60% होगा, बिकॉज रेशियो ही नहीं बनता, हर एक स्टेट के अलग अलग रेशियो होते हैं। तो कह सकते हैं कि आप जो स्टेटमेंट जो है पहला और तीसरा स्टेटमेंट वह सही है अकॉर्डिंग टू दिस जो है सर्वे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, अपने मन से नहीं, जो सर्वे रिपोर्ट में जैसा बताया गया उससे अनुसार। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि हाउ इज द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT डिफरेंट फ्रॉम द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB। जो है राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, वह सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से किस प्रकार से भिन्न है। इसमें दो स्टेटमेंट हैं और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, द NGT हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट, वेयर एज द CPCB हैज बीन क्रिएटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए, NGT जो है एक कह सकते हैं कि एक्ट के द्वारा मतलब लाया गया है। ठीक है जी, CPCB जो है वो एक मतलब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके इसको बनाया गया है। दूसरा स्टेटमेंट में है कि NGT प्रोवाइड्स एनवायरमेंटल जस्टिस। NGT जो है एक एनवायरमेंटल जस्टिस प्रोवाइड करती है, हरित क्रांति इसका नाम ही दिया गया, मतलब वातावरण से संबंधित जजमेंट, जैसे कहीं अगर रिवर पॉल्यूशन है, या फिर कहीं अगर कोई फैक्ट्री है जो अधिक पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है, या फिर कहीं ऐसे कोस्टल एरिया वगैरह है, तो इन तमाम चीज़ें मतलब जो कि वातावरण से संबंधित हो उसमें जस्टिस प्रोवाइड करती है, और हेल्प टू रिड्यूस द बर्डन लिटिगेशन ऑफ द हाई कोर्ट, वेयर एट द CPC। देखिए, और इससे क्या होगा कि जो हाई कोर्ट वगैरह में जो लिटिगेशन वगैरह जो केसेस फाइल होते हैं उसके कह सकते हैं केसेस की संख्या को रिड्यूस करती है, घटाती है। लेकिन जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो प्रमोट क्लीननेस या जो है सफाई को जो है प्रमोट करती है। ठीक है जी, स्ट्रीम्स वेल्स एम टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर इन द कंट्री, और इसका जो उद्देश्य है, गोल है, वह भारत की जो कह सकते हैं या फिर पूरे के पूरे इस जिस भी शहर में हो या फिर पूरे के पूरे भारत में इसकी जो कह सकते हैं कि हवा की गुणवत्ता है उसे बढ़ाने की, उसकी शुद्धता को कायम रखने की यहाँ बात करता है CPCB के द्वारा। तो कौन सा इसका स्टेटमेंट सही होगा, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट। ए में है 1 ओनली, बी में है 2 ओनली, सी में है बोथ 1 और 2, और डी में है नाइदर 1 नॉट 2। तो इन दो स्टेटमेंट के आधार पर 4 ऑप्शन दिए गए, तो कौन सा जो कह सकते हैं उत्तर सही होगा, आंसर होगा बी। कहने का मतलब है कि 2 ओनली सिर्फ ये सही है और यह गलत है। ठीक है जी, तो आंसर राइट जो आंसर होगा वह 2 ओनली होगा, मतलब बी वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा।
आइए हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस ए पार्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो पार्लियामेंट है भारत का वो पार्टिकुलर लॉ जो है प्लेस करती है 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के 9वें शेड्यूल में जो भारत का संविधान है उसमें। दूसरा में, द वैलिडिटी ऑफ द लॉ प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। जो वैलिडिटी है 9th शेड्यूल का वह किसी भी कोर्ट के जरिए एग्जामिन नहीं किया जा सकता है और कोई भी कोर्ट न्याय, इनफैक्ट द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इस पर अपना जजमेंट नहीं दे सकती है। तो पहले सबसे पहले जो आपको मालूम होना चाहिए कि 9th शेड्यूल में कह सकते हैं भारतीय के संविधान के 9th शेड्यूल में है क्या, तो अगर इसके बारे में आपको जानकारी हो तो आप अच्छे से समझेंगे। लेकिन यहाँ इसके अंदर जो है दो स्टेटमेंट दिया गया, पूछा गया है कि कौन इसके बाद सही है, वन ओनली, टू ओनली, सी ओनली एंड डी ओनली। तो इसमें वन में है वन ओनली, बी में है टू ओनली, सी में है बोथ वन एंड टू, और डी में है नाइदर वन एंड नॉट टू। तो अगर आपको 9th शेड्यूल के बारे में अगर आपको पता होगा तब आप इस प्रश्न को अच्छे से हल कर देंगे। मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको उत्तर दे देता हूँ, वन ओनली। बिकॉज आप अगर आपको मालूम नहीं है तो जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, या फिर जो कह सकते हैं कि कोई भी भारत के संविधान में अगर कह सकते हैं कि लॉ है, आर्टिकल है, शेड्यूल है, या फिर भारत के पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी ऐसे कानून जो है पारित किए जाते हैं या बनाए जाते हैं, ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन आर जस्टिफिएबल एंड कैन बी एग्जामिन्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। कोई भी भारतीय संसद के द्वारा कानून अगर बनाया जाता है तो वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट के द्वारा उसको अधिकार है कि वह किसी भी कानून को जांच सकती है, परख सकती है, और अगर वह बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करता है, फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर है उसको जो है अगर वायलेट नहीं करता है तो वह कानून मान्य होगा। अगर कोई भी जो है कानून संसद के द्वारा पारित किया जाता है और वह बेसिक स्ट्रक्चर्स को वायलेट करता है तो उसे कोर्ट के द्वारा स्ट्रक डाउन किया जा सकता है। खैर वो एक अपनी बात है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा पांचवा का वह ए होगा, मतलब सिर्फ वन सही है कि द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस ए पार्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो भारत के कह सकते हैं 9th शेड्यूल में उसमें संसद जो है एक लॉ जो है ला सकती है, प्लेस कर सकती है, बना सकती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन देके चार ऑप्शन दे दिए गए हैं। उसमें पूछ दिया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म मर्चेंट डिस्काउंट रेट। इन चारों में से सबसे अच्छा डिफिनेशन कौन होगा मर्चेंट डिस्काउंट रेट का। पहला, द इंसेंटिव गिवन बाय बैंक टू ए मर्चेंट फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट थ्रू डेबिट कार्ड पर्टेन्स टू दैट बैंक, ठीक है। दूसरा है, द अमाउंट पेड बैक बाय बैंक्स टू देयर कस्टमर्स व्हेन दे यूज डेबिट कार्ड्स फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फॉर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। सी में है, द चार्ज टू अ मर्चेंट बाय अ बैंक फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट्स फ्रॉम हिज कस्टमर्स थ्रू द बैंक डेबिट कार्ड्स। एंड डी में है, द इंसेंटिव्स गिवन बाय द गवर्नमेंट टू मर्चेंट्स फॉर प्रमोटिंग डिजिटल पेमेंट बाय देयर कस्टमर्स थ्रू पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स एंड डेबिट कार्ड्स। तो इसका सही उत्तर कौन होगा तीनों में से? तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट का सबसे सही डिफिनेशन सी में होगा, द चार्ज टू अ मर्चेंट बाय ए बैंक, मतलब बैंक के द्वारा जो चार्ज किया जाता है मर्चेंट्स को एक्सेप्टिंग पेमेंट फ्रॉम हिज कस्टमर थ्रू द बैंक्स डेबिट कार्ड। अगर बैंक्स के डेबिट कार्ड से कोई भी जो है पेमेंट को एक्सेप्ट किया जाता है तो उसमें बैंक जो है अपना शुल्क जो है लेती है, चार्ज करती है, ठीक है जी। क्वेश्चन 6 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, व्हाट इज आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ अ कंट्री बिकमिंग द मेंबर ऑफ द न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स। देखिए NSG के सप्लायर ग्रुप में अगर कोई कंट्री जो है उसके मेंबर्स बनता है तो उसे क्या क्या लाभ होता है या फिर इसके क्या परिणाम निकलते हैं। पहला स्टेटमेंट है, इट विल हैव एक्सेस टू द लेटेस्ट एंड मोस्ट इफिशियंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज। अगर वह न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में प्रवेश करता है तो लेटेस्ट जो है टेक्नोलॉजी उन्हें मिलता है, इफिशियंट और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिलता है जिसके माध्यम से वह जो है न्यूक्लियर से संबंधित चाहे बिजली वगैरह के उत्पादन में या अन्य चीज़ों में वह रिसर्च वगैरह में या फिर उन्हें प्रॉफिट होता है नए नए तकनीक आने से। दूसरा स्टेटमेंट है, इट ऑटोमेटिकली बिकम्स अ मेंबर ऑफ द ट्रीटी ऑफ द नॉन प्रोलिफरेशन न्यूक्लियर वेपन्स NPT। वह जो है ऑटोमेटिकली जो है मेंबर्स तो नहीं बन जाता है ट्रीटी ऑफ द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स।
अब इसमें से चार जो है ऑप्शन दिए गए हैं, ए में है वन ओनली, बी में है टू ओनली, सी में है बोथ वन एंड टू, डी में है नाइदर वन नॉट टू। इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सही होगा? ठीक है जी, तो आप एक बार पुनः जो है गौर करें तो इसमें होगा ए सही होगा। देखिए अगर आप NSG में न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में अगर प्रवेश भी करते हैं, उसके मेंबर्स बनते हैं, तो यह माना नहीं जाएगा कि आप NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे जो है साइन कर दिए हैं, क्योंकि भारत इसमें जो है साइन नहीं किया है, तब जो है इसमें प्रवेश करना चाहता है, लेकिन चीन जो है अड़ंगा रहा था। खैर वो एक अलग बात है, लेकिन इसमें अगर आप मेंबर्स बनते हैं लेकिन आप अगर इसमें साइन नहीं करते हैं, तो आपको यह नहीं माना जाएगा कि आप इसके मेंबर बनने के बाद इसमें साइन कर चुके हैं। तो ये जो है ए ऑप्शन जो है सिर्फ सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडिया डिसीजन टू लेवी ऑन इक्वलाइजेशन टैक्स ऑफ 6% ऑन ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विसेज ऑफर्ड बाई नॉन रेसिडेंट एंटिटीज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? इट इज जो है इट इज इंट्रोड्यूस एज अ पार्ट ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, दूसरा है ये इनकम टैक्स एक्ट का पार्ट है, दूसरा है कि नॉन रेसिडेंट एंटिटीज दैट ऑफर एडवर्टीजमेंट सर्विसेज इन इंडिया कैन क्लेम अ टैक्स क्रेडिट इन देयर होम कंट्री अंडर द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ठीक है जी, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंट एग्रीमेंट के अंतर्गत जो है वह अपने इनकम्स के जो टैक्स क्रेडिट है उसमें क्लेम कर सकता है। आगे आई द सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, तो ए में है वन ओनली, बी में है टू ओनली, सी में है बोथ वन एंड टू, एंड डी में है नाइदर वन नॉट टू। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट या फिर कौन सा ऑप्शन जो है सही है, यहाँ करेक्ट पूछ रहा है। ठीक है जी, यहाँ करेक्ट के बारे में यहाँ पूछ रहा है। तो आठवां का आंसर जो होगा वह होगा डी, नाइदर वन नॉट टू। एक भी सही इसमें नहीं है, यह भी गलत है और यह भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें देखिए तीन स्टेटमेंट दिया गया, उसके बाद फिर चार ऑप्शन दिए गए हैं। द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट FRBM रिव्यू कमिटी रिपोर्ट हैज रिकमेंडेड अडेप्ट टू GDP रेशियो ऑफ 60% फॉर द जनरल कंबाइंड गवर्नमेंट वाई 2023, कंप्राइजिंग 40% फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 20% फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा पॉइंट में है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डोमेस्टिक liabilities of 21% of the GDP as compared to that 49% of GDP of the state government. And question number 3, as per the Constitution of India, it is mandatory for a state to take the central government's consent for the raising any loan if the former owes any outstanding liabilities to the latter. Now the four options, which of the statement given is are correct? कौन सा statement इसमें सही है? पहला में है one, A one only, B two and three, and C one and three, and D one, two and three. तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है नौवां में? तो स्टेटमेंट नंबर सी, वन एंड थ्री, एक और तीन, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ये गलत हैं। तो इसके जो राइट आंसर होंगे वह होगा सी, वन एंड थ्री ओनली। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड एडाइबल ऑयल्स इज मोर देन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एडाइबल ऑयल्स इन द लास्ट 5 years। जो एडाइबल ऑयल, जो खाने योग्य जो तेल होता है, घाने जो कच्चा घाने का तेल होता है, उसमें कहा जा रहा है कि जो डोमेस्टिक एडाइबल ऑयल है उसकी जो इम्पोर्ट होती है वह जो है घरेलू प्रोडक्शन उत्पादन से जो है 5 साल के उत्पादन से वह बहुत ही अधिक है। आगे यदि गवर्नमेंट डज नॉट इम्पोज एनी कस्टम ड्यूटी, गवर्नमेंट जो है कोई कस्टम ड्यूटी इम्पोज नहीं कर रही है ऑन ऑल इम्पोर्टेड एडाइबल ऑयल एज अ स्पेशल केस, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? Which of the following statement given above is are correct? A one only, B two only, C both one and two, D neither one nor two. तो 10 में होगा A only one, ये जो है सही है। दूसरा इसलिए गलत है because custom duty is imposed by the government of India already. ठीक है जी, ये हो गया 10 क्वेश्चन हम लोग already इस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। अब अगले जो है वीडियो में, हालांकि हम लोग कहते हैं कि 20-20 क्वेश्चन, 30-30 क्वेश्चन, एक बार नहीं, आप 10-10 क्वेश्चन का शॉर्ट एंड स्वीट समरी ही देखिए, जिसमें कि आपको समझने में आसानी होगा। और 10-10 क्वेश्चन भी अगर आप डेली सॉल्व करेंगे तो आने वाले कह सकते हैं 10 दिन में 2018 कंप्लीट हो जाएगा। 2019 का हम लोग क्वेश्चन ऑलरेडी देख ही चुके हैं, 2017 देखेंगे, 16 देखेंगे, तो हम लोग जो कह सकते हैं एक महीने में अगर 3 पेपर भी देखें। देखिए छोटे छोटे मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको बोरिंग फील ना हो, और 10 क्वेश्चन को ही आप बार बार अगर रिपीट करेंगे, इसे समझने का प्रयास करेंगे, तो एक समय कह सकते हैं कि एक अंत में आपके अंदर जो है अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड हो जाएगी कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस कैसे हैं। जैसे कि किसी में 2 स्टेटमेंट पूछे गए हैं, 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, इसमें देखिए 3 स्टेटमेंट हैं और
चार ऑप्शन दे दिए गए हैं, किसी में जो है सिर्फ सिर्फ कह सकते हैं कि चार स्टेटमेंट दे दिया जाता है और चार ऑप्शन रहते हैं, उसी में टिक करना होता है। तो बहुत तरह के जो है डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर एक क्वेश्चंस का जो है लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज अलग अलग होता है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने जाना, कह सकते हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2018 का जो है क्वेश्चंस पेपर में हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस को आज सॉल्व किया। अगले क्लास में हम लोग 10 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। GS1 का पेपर था 2018 का। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।